नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों की। देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी तैयारियों के बीच केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। 17 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, जिसे अब आगे बढ़ा दिया। पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा, वो अब इस्तीफा दें। उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया हुई शुरू। समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को बनाया प्रत्याशी। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में सर्दी का सितम जारी। बादल छटने के बाद कोहरे और शीतलहर की मार हो गई है तेज। पूरे उत्तर भारत में करीब करीब यही हालात। मुंबई में 200 किलो ड्रग्स जब्त करने के मामले में एनसीबी ने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी के मुताबिक समीर खान और करण के बीच 20,000 रुपए का लेन देन हुआ था। देश भर में आज लोहड़ी मनाई जा रही है। ये त्यौहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले आता है। पंजाब और हरियाणा के लोग इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहरीली शराब पीने से पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 19 हो गई। बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और उनके अकाउंट से अश्लील वीडियो पोस्ट कर दिए हैं। फिलहाल साइबर सेल ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू की है। बरेली में एक छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर 5 बदमाशों ने किया गैंगरेप और फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर 5 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। और वहीं इंदौर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। ये सेक्स रैकेट एक होटल में संचालित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस रैकेट को चलाने वाला गिरोह लड़कियों की शादी करवाता था और दूल्हे पक्ष से मोटी रकम वसूलता था। फिलहाल मामले में 12 लोगों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद जिले में एक युवक ने दहेज में बाइक नहीं मिलने पर अपने साले को गोली मार दी, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया। आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया, जांच पड़ताल शुरू की। मोहाली में सस्ती शराब की ब्रांडेड बोतलों में भरकर महंगे दाम में बेचने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को SIT और आबकारी विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। टीम ने चंडीगढ़ में एक गोदाम को भी सील किया है, जिसमें शराब की 2,000 पेटियां रखी थी। कस्टम की टीम ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना लेकर आ रहे यात्री को पकड़ा। उससे 10 लाख रुपए का सोना बरामद किया है, पुलिस जांच में जुटी। और वहीं फिरोजाबाद क्राइम ब्रांच टीम ने मुठभेड़ में कलुआ गैंग के 5 और सदस्यों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के कब्जे से तमंचा, 10 कारतूस, चोरी हुई जेवर भी बरामद किए। अमृतसर में किराया ना देने पर मकान मालिक ने हथियार से हमला कर किरायेदार की हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरार मकान मालिक की तलाश शुरू की। लुधियाना में सरकारी स्कूल की कक्षा में 11वीं छात्रा ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना का पता उस समय चला जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कक्षा में पहुंचे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्कूल प्रशासन से पूछताछ शुरू की। जालौर में पुराने विवाद में 2 पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवकों पर बेल्टों और डंडों से किया हमला। घटना का वीडियो वायरल। बागपत में बदमाशों ने युवक की हत्या कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। 3 गोलियां पेट में लगी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही CO आलोक कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। और वहीं मोहनलालगंज में किराए के कमरे में रहने वाले महिला सिपाही ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस ने होमगार्ड जितेंद्र कुमार शर्मा पर खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया, गिरफ्तार कर जेल भेजा। मेरठ में बुआ के घर आए भतीजे की फूफा ने ही शराब के नशे में पीट पीट कर हत्या कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए फूफा को गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पिटाई और गला घोटकर हत्या करने का खुलासा हुआ। केरल में आज से सिनेमा हॉल फिर से खुल गए। पिछले साल कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू होने के बाद राज्य में सभी सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था। अब स्थिति संभलने के बाद 10 महीने बाद राज्य के सिनेमा हॉल आज एक बार फिर से खुल रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन हॉस्पिटल की 2 मंजिला इमारत में स्टोर की गई। वैक्सीन स्टोरेज यूटिलिटी बिल्डिंग को चारों तरफ से 3 लेयर की सुरक्षा दी जा रही है। अवैध निर्माण के मामले में BMC के निशाने पर आए एक्टर सोनू सूद की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। BMC की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में दलील दी गई है कि एक्टर अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे। रणवीर सिंह अपने फैशन सेंस के लिए आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। अब हाल ही में उन्हें ब्लू शेड आउटफिट में स्पॉट किया गया। बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लाखों लोगों को पसंद आया वीडियो। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।